आज जम्मू कश्मीर में जनमानस की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे फायर सर्विसेज के सभी 669 फायर फाइटर्स को मैं अपने हृदय से शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उन्हें परिश्रम एवं कर्तव्य परायणता के लिए भी मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर सभी कैडेट्स के माता पिता तथा सगे संबंधियों को भी मैं अपनी शुभकामना अर्पित करना चाहता हूं। आज आप सभी कैडेट से कैसे ऐतिहासिक संस्थान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। 1803 में मुंबई, 1822 में कोलकाता के पश्चात 1893 में जम्मू कश्मीर में फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज की शुरुआत श्रीनगर फायर ब्रिगेड के रूप में हुई थी। यहां तक कि दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज तरीके से फायर सर्विसेज की शुरुआत 3 साल बाद यानी 1896 में शुरू हो पाई थी। इसलिए आप सभी उस रिच लिगेसी के ध्वजवाहक हैं और फाइटर शब्द जो आपका पहला नाम है, बाकी सभी उपनाम है। जैसा अभी दिलबाग सिंह जी ने, श्रीनिवास जी ने और डायरेक्टर एसडी सिंह जी ने बताया, पहला बड़ा बैच जिसका अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति मेरे आने के 3 महीने पश्चात हुई थी। मुझे बताया गया है इस बैच में बेहतरीन शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट भी है। जम्मू कश्मीर में यहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से फायर तथा इमरजेंसी सर्विसेज की आवश्यकता 1885 से ही महसूस की जा रही थी। उस साल शायद शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसमें हजारों परिवार तबाह हुए थे। अगर पुराने दस्तावेजों के आंकड़ों को देखा जाए तो करीब करीब 3500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सबसे बड़ी चुनौती फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज को स्थापना के तुरंत बाद झेलनी पड़ी थी, जब 52 घंटों की लगातार बारिश से उफान पर आई झेलम नदी ने श्रीनगर शहर को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। नई नई सर्विस को बाढ़ की आपदा से निपटने का कोई प्रशिक्षण नहीं था, अनुभव नहीं था, लेकिन उस रेस्क्यू ऑपरेशन की महत्व को देखते हुए प्रशासन ने उस समय के तुरंत आवाम की सेवा में इन्हें लगाया था। और इस सर्विस के फाइटर्स ने, जाबाजों ने पूरी शिद्दत के साथ लोगों के जान माल की हिफाजत करी थी। अभी जब मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था तब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े कैडेट्स को देखकर भविष्य में आने वाली उनकी जिम्मेदारियों का मुझे एहसास हो रहा था। लोगों के जीवन, संपत्ति, मूल्यवान प्राकृतिक, इंडस्ट्रियल और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए न सिर्फ उच्च प्रशिक्षण और कुशल अनुभव चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि आग में कूदने का जज्बा भी चाहिए, जिगर भी चाहिए। और सिर्फ आग ही नहीं, बल्कि पानी, गैस और अन्य खतरों से भी आने वाले दिनों में आपको जूझना पड़ सकता है। अभी जून में बारामूला तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो फायर इंसिडेंट हुए, उसमें फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के जवानों ने बड़ी दिलेरी से जान माल की रक्षा की थी, और मैं फायर सर्विसेज के डीजी को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं हर एक प्रोफेशन में जुनून और जज्बे का होना अत्यंत आवश्यक है। आपके बहुत से सीनियर्स होंगे जिनके जज्बे की वजह से आज कितने घर सही सलामत खड़े हैं, कितनी जिंदगी आज सुरक्षित है और कितने जंगल आज भी हरे भरे हैं। ये मैं समझता हूं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, पूंजी है, और आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा आदर्श और सबक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन आदर्शों पर